समता स्वतंत्रता। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ऐसे राष्ट्र का निर्माण सरकार। साथियों ओएवन टीवी से अपनी से तो आप देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जो कि इलाहाबाद बालसन चौराहे से चंद्रशेखर आजाद पार्क तक, क्योंकि अभी तक न्याय नहीं मिला हुआ है दिलीप सरोज को। आप देख सकते हो तो सर अभी सरकार अभी तक क्या कर रही है योगी सरकार न्याय दिलाने के लिए? देखिए, ये जो लोग युवा हमारे आज आंदोलित हैं, वो मात्र दिलीप सरोज की घटना के लिए नहीं है, पूरे प्रदेश और देश में जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, कहीं भी किसी चौराहे पे 10 लोग इकट्ठा हो रहे हैं और किसी को मारकर हत्या कर दे रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा दलित पिछड़े और गरीब तबके के लोगों को अपराधी घोषित करके और जिस तरीके से उनकी निशंस हत्या पुलिस द्वारा कराई जा रही है, फेक इनकाउंटर दिखाया जा रहा है और दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस तरीके से सामंतियों के द्वारा मनवादियों के द्वारा हत्याएं की जा रही है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इसको ठीक करने में अगर सक्षम नहीं है तो हमारी यह मांग है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और इस देश में संविधान का शासन होना चाहिए। ये संघ समाज में जहर घोल के जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद के आधार पर आम लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाल के अपना प्रतिरोध दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में अगर ये घटनाएं नहीं थमी तो पूरे बहुजन वर्ग के लोग, जितने सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, सब लोग सड़क पे उतर के और इस पूरी घटनाओं का विरोध करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीछे जी जिस तरह से लगातार साथियों ने आंदोलन किया, सब लोग, ये सिर्फ एक जाति की लड़ाई नहीं बल्कि एक नौजवान छात्र की लड़ाई है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं सरकार निरंकुशता दिखा रही है, ना किसी की धर पकड़ हुई है। आज किसी सत्ता के सांसद और विधायक से बात हुई, वो कह रहे थे कि आप लोग आंदोलन को समाप्त कर दीजिए, हम सरकार से बात करते हैं। तो हम लोगों ने कहा, देखिए ये आंदोलन एक जाति और एक धर्म के लोग नहीं चला रहे, बल्कि एक छात्र और नौजवान की लड़ाई की बात है जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग सम्मिलित हैं। इसलिए जब तक दिलीप सरोज के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आजीवन कारावास और फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती है, साथ ही साथ जो चार सूत्री मांगे हैं हम लोगों की, अगर वो पूरी नहीं की जाती है, तो आने वाले समय में जो ये आंदोलन है, आज हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से, एक जीत हुई है हम लोगों की कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस प्रशासन ने हम लोगों के आंदोलन की बदौलत। तो हम आने वाले समय में प्रशासन और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम लोग आगाह भी करना चाहते हैं कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज करके उसको फांसी और उम्र की सजा नहीं सुनाते हैं, तो आने वाले समय में ये सारे नौजवान जो आपको दिख रहे हैं, ये और भी उग्र प्रदर्शन करने पे मजबूर होंगे। अतुल पासी, इलाहाबाद। धन्यवाद जी। आपका क्या कहना है, इसको कब तक चलाएंगे आप लोग आंदोलन? देखिए, आंदोलन तो हमारा आज जो है, जिस तरह से कुछ हमारी मांगे थी, निरंतर कुछ मांगे हमारी मानी गई, जैसे कि आज जो मुख्य अपराधी था उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हम लोग ये बता, इस बात से नहीं हम लोग शांत हो जा रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ जो हमारा बालसन पे किर्मिक अनिश्चितकालीन किर्मिक अनशन चल रहा था, आज हम उसको स्थगित कर रहे हैं। फिलहाल ये हम लोग के साथियों को बैठकर बात हुई है, और लेकिन क्रमिक धरना चलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। हम लोग सिर्फ प्रशासन को इतना बताने की बात कर रहे हैं कि अगर हम जो चार सूत्री अपना ज्ञापन दे रहे हैं और जिस तरह से उसकी हम न्याय की मांग कर रहे हैं, अगर उसमें भी थोड़ी सी भी चूक हुई और प्रदेश में जिस तरह से दलित पिछड़ों और ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर अगर लगाम नहीं
लगाई गई तो एक पूरा प्रदेश व्यापी और देश व्यापी आंदोलन यहाँ के इलाहाबाद के नौजवान और यहाँ के साथी सभी छेड़ने के लिए तैयार होंगे। चंद्रशेखर चौधरी छात्र उपाध्यक्ष जी, आपका क्या कहना है? चलिए सब लड़ाई चलाइए। जैसे कि आज हम लोगों के 3 दिन आंदोलन के बदौलत हम लोगों की जीत हुई है। जैसे कि कल के डेट में देखा जाए तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में आंदोलन किया। अभी कुछ जगहों पे आंदोलन चल रहा है और यहाँ पे आंदोलन आज हम लोग का जो क्रमिक अनशन था अनशन आज हम लोग समाप्त कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी हमारे आंदोलन बरकरार रहेंगे और तब तक बरकरार रहेंगे जब तक उत्तर प्रदेश में ये जो अपराध क्रमिक रूप से चालू है, विद्यार्थियों की, महिलाओं की, मुसलमानों की, पिछड़ों की और अनुसूचित जाति और जनजाति पे अत्याचार हो रहा है, जब तक ये बंद नहीं रहेगा तब तक छात्र आंदोलन करते रहेंगे। मैं विकास भारती, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कार्यकर्ता इलाहाबाद से। धन्यवाद। आप देख रहे थे एवन टीवी से, मैं अवनीश यादव इलाहाबाद से। समता स्वतंत्रता, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ऐसे राष्ट्र का निर्माण।